दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। आज बहुत सारे लोग कंपनी पंजीकरण कराना चाहते हैं परंतु सही पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उनके पास उचित जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में इसलिए हम आज कुछ विशेष पहलू पर प्रकाश डालेंगे। प्रथम, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी का पंजीकरण कैसे किया जाता है, कंपनी का मालिक कौन होता है, विभिन्न प्रकार के कंपनियों का गुण और अवगुण, कंपनी पंजीकरण के लिए वर्गीकरण। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल फ्रेश फंडा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं, कंपनी क्या होती है। कंपनी एक वर्चुअल बॉडी है, एक लीगल इंटिटी होती है जो कि एक काल्पनिक नाम होता है। इसे एक या एक से अधिक लोग मिलकर बनाते और चलाते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। कंपनियां दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथम इंटरप्राइजेस, दूसरा कंपनी। सबसे पहले हम लोग एंटरप्राइज के बारे में बात करें। इंटरप्राइजेस जो छोटी पूंजी की कंपनियां होती हैं उसे इंटरप्राइज के रूप में जाना जाता है। कंपनियां के नाम के अंत में इंटरप्राइज लगाया जाता है। यह तीन भागों में बांटा गया है, प्रथम सूक्ष्म, दूसरा लघु और तीसरा मध्यम। यह एमएसएमईडी एक्ट 2006 के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उत्तम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। सूक्ष्म उद्यम, इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्पादन उद्यम और सेवा उद्यम। उत्पादन उद्यम, इसमें मशीन और कारखाने की कुल लागत 25 लाख तक होनी चाहिए। अब बात करें सेवा उद्यम की, तो सेवा उद्यम में मशीन और कार्यालय की कुल लागत 10 लाख तक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लघु उद्यम की, यह भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, उत्पादन उद्यम एवं सेवा उद्यम। उत्पादन उद्यम में इसमें मशीन और कारखाने की कुल लागत 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक होनी चाहिए। और इसमें सेवा उद्यम में इसमें मशीन और कारखाने की कुल लागत 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक होनी चाहिए। मध्यम उद्यम, यह भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, उत्पादन उद्यम और सेवा उद्यम। उत्पादन उद्यम, इसमें मशीन और कारखाने की कुल लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होनी चाहिए। सेवा उद्यम, इसमें मशीन और कारखाने की कुल लागत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होनी चाहिए। अब हम बात करें कंपनी के बारे में। कंपनी जो बड़ी रकम की व्यवसाय होती है उसे कंपनी के रूप में जाना जाता है। इन व्यवसाय के नाम के अंत में कंपनी लगाया जाता है। यह भी चार भागों में बांटा गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी एलसीसी और कॉरपोरेशन निगम। सोल प्रोप्राइटरशिप, यह एक व्यक्ति विशेष एकल स्वामित्व सिंगल ओनरशिप वाली कंपनी होती है। इसका मालिक एक व्यक्ति होता है जो इसमें होने वाली लाभ, हानि, ऋण
सभी प्रकार का अकेला ही उत्तरदायी होता है। इसमें व्यक्ति के स्वयं का संपत्ति और कंपनी की संपत्ति में कोई फर्क नहीं होता, इसे टैक्स रिटर्न अपने पैन कार्ड से ही भरना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी एक बढ़िया चॉइस है जो कम खतरे की व्यवसाय एंटिटी है, इसे लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें ओनर के रूप में ओनर के ऊपर कम रिस्क होता है। पार्टनरशिप यह दो या दो से अधिक व्यक्ति के साझे का व्यवसाय है, इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जैसे आप जानते हैं पार्टनरशिप मीन्स एक या एक से अधिक व्यक्ति का जुड़ना, तो लिमिटेड पार्टनरशिप इसमें एक साझेदार पर असीमित देयता लायबिलिटी रहता है और बाकी के साझेदार की देयता सीमित रहती है। तो इससे साफ जाहिर होती है कि जिस व्यक्ति ने देयता की असीमिति असीमित देनदारी है तो उस व्यक्ति का उस कंपनी पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा, और जिस व्यक्ति की देयता कम है, सीमित है, लिमिटेड है, तो उस व्यक्ति का नियंत्रण उस कंपनी पे कम होगा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वर्णित रहता है। सभी को अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। यह भी लिमिटेड पार्टनरशिप जैसा ही होता है, लेकिन उसमें हमने बताया कि एक पार्टनर के ऊपर में लायबिलिटी असीमित होती है, वरन इसमें सभी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी सेम होती है। यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो सभी पार्टनर का साझेदारी सेम होता है, उसके लायबिलिटी के हिसाब से, उसके शेयर्स के हिसाब से उसे फ़ायदा मिलता है। अगर कंपनी ऋण लेती है तो इसमें सभी पार्टनर सेम रूप से उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो सभी पार्टनर को उसका ऋण पे करना पड़ता है। ऋण खिलाफ से प्रत्येक साझेदार का सुरक्षा करता है, ये अन्य सहयोगों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। यह LPP साझेदारी के खिलाफ ऋण से प्रत्येक साझेदार की सुरक्षा करता है, वे अन्य सहयोगी के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC। यह दो या दो से अधिक लोगों से बनता है, इसमें शेयर होल्डर होते हैं, इसमें शेयर होल्डर की देयता यानी लायबिलिटी सीमित होती है, इसमें शेयर होल्डर सिर्फ अपने देयता का भागीदारी होता है, उसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि नाम से ही साफ जाहिर है कि इसके शेयर्स जो होते हैं वह सिर्फ प्राइवेट लोगों को ही दिया जाता है, यह पब्लिक डोमेन में इसके शेयर को साझेदार नहीं किया जाता, नहीं बेचा जाता है। इसका सारा शेयर किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। इसमें कम से कम एक शेयर होल्डर और अधिक से अधिक 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं। शेयर होल्डर मीन्स कि प्रमोटर जो कंपनी विकास के लिए पैसा लगाते हैं। इसमें शेयर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अगर शेयर हस्तांतरण किया जाता है तो शेयर होल्डरों की सहमति जरूरी है। इसका स्टॉक शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचा जाता।
इसमें कम से कम पेडअप कैपिटल यानी परदत्त पूंजी 1 लाख होनी चाहिए। यह कंपनी अगर पैसा उधार लेती है तो डायरेक्टर को पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है इसके रीपेमेंट की। अगर कंपनी कर्ज नहीं चुका पाई और लिक्विडेट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई, तो डायरेक्टर को निजी संपत्ति से कर्ज चुकाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाम से ही साफ जाहिर होता है कि इसके शेयर पब्लिक डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका ओनर सारा पब्लिक जो शेयर खरीदता है वो सारे के सारे इसके ओनर होते हैं। इसका कोई व्यक्ति विशेष मालिक नहीं होता, यह कुछ प्रमोटरों के अधीन नहीं होता है। यानी कि सारे जितने भी लोग इसके शेयर्स लिए हुए हैं वो सारे के सारे इस कंपनी के ओनर हैं, और वो हमेशा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उस सारे प्रॉफिट को डिविडेंड में बांटा जाएगा और सभी ओनरों को उसकी हिस्सेदारी मिलती है। जब वो हिस्सेदारी लेते हैं, जब वो प्रॉफिट लेते हैं, तो कंपनी के रिस्क में भी उसे भागीदार होना पड़ता है। इसमें कम से कम 7 शेयर होल्डर होते हैं और इसके अधिकतम शेयर होल्डरों की संख्या फिक्स्ड नहीं है। इसमें जितना से जितना हो सके उतना लोग शेयर ले सकते हैं और इसके मालिक हो सकते हैं। इसमें शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा सकता है। इसमें शेयर किसी भी आदमी को आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। इसका पेडअप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी 5 लाख होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन निगम की। यह बड़ी कैपिटल वाले निवेश को दर्शाता है। इसमें आम आदमी का शेयर होता है। यह एक लीगल इंटिटी होता है जो एक आदमी के तरह सारा कार्य करता है। इसमें लाभ हानि शेयर होल्डर्स के बीच फर्म के माध्यम से जारी किया जाता है। यह एक कंपनी या लोगों का समूह है जो कि लीगल इंटिटी के रूप में पहचाना जाता है। यह कॉन्ट्रैक्ट में भागीदारी हो ले सकता है, लोन ले सकता है, एम्प्लॉय हायर कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है, यानी कि यह एक लीगल व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक। अब आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। फ्रेश पंडा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।